नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र भी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। कोई भी विधा हो और जानकारी ऐसी कि जिसपे आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान आप अवश्य ही प्राप्त करते हैं, मुक्ति आप अवश्य ही प्राप्त करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए दीपावली निकट पे आ रही है, उस दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय जिस उपाय से आप अपने घर में धन की समस्या से निजात प्राप्त कर सकते हैं, दारिद्रता को हटा सकते हैं। एक ऐसा उपाय, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व नहीं महापर्व माना जाता और ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय हैं जो दीपावली के दिन करने के लिए बताए गए हैं, लेकिन अत्यंत कठिन है, जटिल है। उसके आसपास करने के लिए भी उपाय बताए गए हैं, ऐसे उपाय जिनका प्रतिफल आप अति शीघ्र देखते हैं और लंबे समय तक देखते रहते हैं। जैसे कई चीज़ें क्या होती है कि आदमी रिन्यूअल करवाता है, तो ज्योतिष शास्त्र में दीपावली के कुछ ऐसे उपाय हैं कि जिन्हें आदमी हर वर्ष प्रतिवर्ष करते रहता है और सुख समृद्धि उसके पास हमेशा बनी रहती है। कष्ट तो एक अभिन्न अंग है, आते हैं चले जाते हैं। जैसे किसी के जीवन में कष्ट बड़ी मात्रा में आते हैं और सुख क्षणिक कुछ मात्रा में, लेकिन ऐसे जातक के जो सुख होता है बड़ी मात्रा में जीवन बना रहता है, सुख समृद्धि वैभव आदि, और दुख छोटी सी, ये अंतर होता है। ज्योतिष शास्त्र के कुछ उपाय ऐसे हैं जो व्यक्ति को इस ओर देखे जाते हैं। तो दीपावली के दिन आज हमने एक बड़ा अच्छा वक्तव्य देखा इस पे कि हत्था जोड़ी, जिसके बारे में हम आप लोगों को पहले कई एपिसोड बना चुके हैं। हत्था जोड़ी जिसे शनि ग्रह के लिए से संबंधित यह जड़ी मानी जाती है, जिसे कि हम बिच्छू जड़ी भी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे इसके अलग अलग नाम हैं। तो एक ऐसी चमत्कारी जड़ी है, इस जड़ी को बताया गया है कि यदि दीपावली के दिन महापर्व के बारे में आया है इसके किताब पे, अभी हम देख रहे थे तो ये आज की बात है, तो बड़े सुंदर उस पे लिखा गया है, दीपावली के दिन इसे रेशमी किसी रेशमी वस्त्र लाल वस्त्र में आप इसे रखें, उस पे आप, इस पे बताया गया है, बड़ी गंभीर बात है और प्रतिफल आप अवश्य ही चमत्कारिक तौर पे कुछ ही दिन में देखेंगे। थोड़ा सिंदूर, कपूर, लौंग, इलायची और अक्षत यानी कि कुछ चावल के दाने। अब इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे इसमें बताया थोड़ा सिंदूर एक हल्का सा एक पुड़िया में, जिससे कि वह बाहर ना गिरे, रैपर जो कांच की पन्नी होती है उस पर एक दाना कपूर का। अब 3-5 ऐसे आंकड़े लौंग इलायची आदि के लिए शुभ माने जाते हैं, तो 5 लौंग 5 इलायची और कुछ 5 उंगलियों में जितने चावल के दाने आ गए, जो बिल्कुल साबुत होने चाहिए, जैसे सरबती बासमती चावल होते हैं या कोई भी चावल हो उसमें टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 5 जो आ गए उस पे उसको गांठ लगा के बताया गया रेशमी उस पे लाल रुमाल आकृति होनी चाहिए और हत्ता जोड़ी उस पे रख कर उसको बांध कर अपने घर पे आप उसे अपने मंदिर आदि पे रख दीजिए, और जिनका व्यवसाय वो है वो अपने गले पे रख सकते हैं या अपने इस पे जो काउंटर द्वार होता है, तो व्यवसाय यानी दुकान का जो शटर आदि होता है उसके सामने पे मुख्य में भी लगा सकते हैं, आगे पे हाइट पे या गले पे भी इसको रख सकते हैं। किंतु बताया गया है कि इसको यदि दीपावली के दिन वहाँ पर रखकर थोड़ा पूजा पाठ आदि वहाँ पे कर ली अपने मंदिर पे, और इसको अपने घर पे, अगर आप वैसे अगर कहीं पे बाहर को यदि कहीं ऊंचाई पे रखना चाहें तो ईशान कोण सबसे पवित्र रहता है, इसके अतिरिक्त आप अपने मंदिर स्थल पर रख दीजिए या जहाँ पर को आप अपना धन रखते हैं। महत्वपूर्ण यह भी है कि जहाँ पर को आप धन रखते हैं अपनी अलमारी आदि जिस पे भी, तो वहाँ पर को रख सकते हैं, और व्यवसायिक वाले लोग अपने शॉप पे कहीं पर को भी रख सकते हैं, तो सामने पे आगे हाइट पे ऊंचे पे कहीं पर को लगा सकते हैं लाल रेशमी रुमाल पे, जो ये चीज़ें बताई गई हैं। क्योंकि इस दिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पंडित जी आदि से आप इसे सिद्ध करवाएं या करवाएं तो सोने पे सुहागा, क्योंकि ये अपने आप में एक सिद्ध महापर्व रहता है। बस आपने ये चीज़ें करनी है, पवित्रता का ध्यान रखना है,
नहीं तो अंत में सब चीजों पे ऊपर से थोड़ा सा गोमूत्र या थोड़ा गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, वो पवित्र माना जाता है। अपने मंदिर स्थल पर ले जाइए, वहां पर को जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र हैं, सभी देवी देवताओं के मंत्र हैं, भगवान गणेश से प्रारंभ होता है, उस सबका ध्यान करने के पश्चात इस प्रक्रिया को भी कर लीजिए, चमत्कारिक परिणाम आप स्वयं देखेंगे। क्योंकि हमने आज तक इसके कई इस पुस्तकों से जो बताए हैं, सभी लगभग पुस्तकों से है, लेकिन इनमें से कुछ ये संक्षिप्त में दिए हैं और सरल उपाय दिए हैं, चमत्कारिक प्रतिफल मिला हुआ है, क्योंकि हमने खुद इनके कमेंट बॉक्स में देखा हुआ है, इनसे संबंधित जो एपिसोड बनाई है। और हत्था जोड़ी के बारे में तो आपने देखा ही है, पूर्व में बहुत से लोगों ने इसको रखा अपने पास और चमत्कारिक परिणाम प्राप्त किए, इन्होंने विश्वासपूर्ण और सही विधि पूर्वक रखा है, और बहुत से लोगों ने और भी रखा है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी कुछ परिणाम देखने में नहीं आया, लेकिन विधि पूर्वक रखिए, तो इसका एक सिस्टम बना हुआ है, आप इस दिन इस तरीके से रखिए अपने पास, तो अवश्य ही चमत्कारिक परिणाम देखने में आएगा। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, दीपावली की शुभकामनाएं आपको इसी एपिसोड के साथ। हर वर्ष हम आप लोगों के लिए कुछ न कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो जानकारी आपको लाभ दे, और संभवतः 2018 से हमने शुरुआत की थी जून से, तो लगभग ये जो दीपावली आ रही है, हर दीपावली में हमने आपको एपिसोड दिए, तो आप एक बार पूर्व में जाके देख लीजिएगा, जिन लोगों ने उनको आजमाया है उस तरह से बहुत अच्छा उनको लाभ मिला है, लिखा है उन्होंने, तो इसी तरीके से इस पे भी आप अमल करिए, और आप खुद लिखेंगे कोई और देखेगा, तो हम यही उम्मीद करते हैं। पुनः दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, नए लोगों से आग्रह है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो कुछ एपिसोड देखिए हमारे, और पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी जानकारी है, हमेशा ही आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी जो कहीं ना कहीं लाभान्वित करेगी। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।